बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके विरोधी उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। जेडीयू के विधानमंडल की बैठक में विधायकों को संबोधित करते हुए नीतीश ने साफ किया कि काले धन पर केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन, बीजेपी को समर्थन नहीं है। नीतीश ने अपने विधायकों के सामने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी मुद्दे पर समर्थन के स्टैंड को राजनीतिक करवट से जोड़ना गलत है। नीतीश ने मीडिया को घेरते हुए कहा कि मीडिया का एक धड़ा बीजेपी से उनकी नजदीकियों की अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं कहां से लोगों को यह खबर मिल जाती है, कभी कोई मुझे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलवा देता है और कभी कोई प्रधानमंत्री मोदी से बात करवा देता है। नीतीश ने तमाम खबरों को खारिज करते हुए उन्हें बकवास करार दिया। नीतीश ने कहा कि लगता है कि लोग मेरे राजनीतिक जीवन को ही खत्म कर देना चाहते हैं। तो नीतीश के इस भाषण से साफ है कि वो तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगाना चाहते हैं। पिछले दिनों नोटबंदी के फैसले को समर्थन देने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश कुमार का धन्यवाद किया था, जिसके बाद इन अटकलों को काफी हवा मिली थी। लेकिन अब नीतीश ने साफ कर दिया है कि समर्थन के स्टैंड को राजनीतिक करवट से जोड़ना गलत है। देखते रहिए डीबी लाइव।